वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भगवान विष्णु ने ब्राह्मण का रूप धारण कर शंखचूर के महल में गए और कहने लगे, भिक्षां देहि। इतना सुनते ही शंखचूर जो है ब्राह्मण देव के पास आए और कहने लगे, महाराज बताइए हमारे यहां कैसे आना हुआ आपका? क्या चाहिए आपको? अन्न चाहिए, रुपया चाहिए, किस चीज की कमी है हम दे देते हैं। लेकिन विष्णु भगवान कहने लगे ब्राह्मण स्वरूप में कि हमें वचन दो कि जो हम मांगेंगे वही हमें दोगे। शंखचूर ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा, जो आप मांगेंगे हम वो आपको दे देंगे। तब भगवान विष्णु ब्राह्मण के स्वरूप में कहते हैं कि मुझे अपना विष्णु कवच दे दो। ना सोचते समझते हुए भी शंखचूर ने अपना कवच उतार कर विष्णु भगवान को दे दिया। विष्णु भगवान वहां से लेकर रूप बदल कर तुलसी माता के पास चले जाते हैं और रूप भी किसका बदला? शंखचूर का। माता पहचान नहीं पाते, लेकिन जैसे ही भगवान विष्णु ने स्पष्ट किया माता पहचान गए और कहने लगे कि तुम शंखचूर नहीं हो, तुम जो भी हो अपने रूप में आ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी, तुम पत्थर के बन जाओगे। लेकिन जब भगवान विष्णु नहीं आए तो वे एक पत्थर के रूप में विराजमान हो। तभी ब्रह्मा जी आए और तुलसी मैया को समझाया कि ये हरि विष्णु हैं और आप जो हैं लक्ष्मी हैं और आपने जो श्राप दिया है उसे वापस ले लो। लेकिन जो श्राप दे दिया वो वापस तो हो नहीं सकता। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया कि गंडकी नदी में जो शिला, जो पत्थर निकलेंगे वह शालिग्राम होंगे और शालिग्राम स्वरूप विष्णु भगवान वहां पर विराजमान होंगे और माता तुलसी को बैकुंठ धाम में मृत्यु के पार स्थान मिलेगा। इतनी बात कहकर ब्रह्मा जी वहां से चले जाते हैं और विष्णु भगवान अपने स्वरूप में आकर बैकुंठ धाम में विराजमान हो जाते हैं। तो ये कथा है किस प्रकार से, किस श्राप से शालिग्राम बने भगवान विष्णु।